एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एसटीएफ ने 1,00,000 रुपये की इनामी बदमाश फुरकान को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के लक्सर में 16 अक्टूबर 2022 को अपराधियों द्वारा पुलिस की चीता टीम पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना में कुल 5 अपराधी शामिल थे, जिनमें से 4 को पुलिस और एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस घटना में शामिल रहे 5वें अपराधी पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे देहरादून के विकास नगर के कुंडला ग्राम से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार के सख्त निर्देश हैं कि उत्तराखंड में जितने भी गैंगस्टर और कुख्यात इनामी हैं, उनको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें एसटीएफ के द्वारा एक सूची बनाई गई है और फुरकान को पकड़ते ही इस सूची में 40 का नाम दर्ज हो चुका है। लूट की, चोरी की काफी घटना है इसके पहले पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास है। अभी तक लगभग 15 से ज्यादा मुकदमे इसकी आपराधिक इतिहास निकल कर आया है। बाकी भी इसकी जानकारी की जा रही है और इसको शीघ्र ही न्यायिक अभिरक्षण भेज दिया जाएगा। विकास नगर में कितने लंबे समय से ये रह रहा था, क्या था इसका, क्या कुछ काम? देखिए, इसमें हमारी टीम काफी समय से लगी हुई थी, अलग अलग जगह पर दबिश भी दी गई थी। उसी बीच में जानकारी में आया था कि यहाँ पर कुछ समय से रह रहा है, यहाँ पर परमानेंटली नहीं रह रहा था, लेकिन यहाँ पर आना जाना था इसका, तो हमारी टीम लगातार वॉच कर रही थी वहाँ पर। उसी क्रम में हमको ये सफलता हासिल हुई।